Good morning everybody, how are you? Today I teach English grammar, class first. Lesson 13, lesson of name noun. आज मैं आपको noun के बारे में बताऊंगी कि what is this noun, noun क्या है. सबसे पहले नाउन को मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में हिंदी में एक बार बता देती हूँ जिससे आपको इंग्लिश में समझने में प्रॉब्लम ना हो. तो नाउन जो होती है वो आपने हिंदी में शायद फर्स्ट क्लास के बच्चे में शायद पढ़ा हो कि नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इन सभी के नामों को हम नाउन कहते हैं. तो इसी चीज को मैं आपको इंग्लिश नाम बताती हूँ. नाउन ये मैंने एक पूरी डेफिनेशन ना लिख के आपको नंबर वन नंबर टू इस तरह से बताया जिससे आपको इजी हो. नंबर वन, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन. जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं उनको हम नाउन कहते हैं. नेमिंग वर्ड्स आगे मैं आपको बताऊंगी. नेमिंग वर्ड्स एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल्स एक्सेट्रा आर कॉल्ड नाउन, आर कॉल्ड नाउन्स. तो ये जो है पर्सन मीन्स व्यक्ति, प्लेस मीन्स स्थान, थिंग मीन्स वस्तु, एनिमल्स मीन्स जानवर. अब एनिमल्स में आपके बर्ड्स भी हो सकते हैं और ये एनिमल्स भी हो सकते हैं. अब बर्ड्स और दूसरे एनिमल्स में आप डिफरेंट जानते होंगे. जो बर्ड्स होते हैं, जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं, हिंदी में बर्ड्स को पक्षी बोलते हैं, उसको हम बर्ड्स कहते हैं. तो वो भी नाउन में आते हैं. एग्जाम्पल क्या है इसका? कैट, क्रोक, बर्ड, मैन, जोधपुर, दिल्ली, कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं. अब इसके आगे पार्ट ऑफ नाउन, PART, पार्ट ऑफ नाउन. नाउन का क्या मतलब है कि हम नाउन को कितने भागों में पार्ट, मतलब भागों में विभाजित कर सकते हैं. पार्ट, ये जो नाउन है, नाउन बहुत सारी होती है, लेकिन अभी आप छोटे हैं तो मैं आपको टू नाउन्स के बारे में अभी फिलहाल में बताती हूं. जैसे नाउन, सबसे पहले नंबर वन प्रॉपर नाउन, PROPER, प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन क्या है? और नंबर टू कॉमन नाउन. प्रॉपर नाउन की हिंदी है व्यक्तिवाचक नाउन. व्यक्ति वाचक संज्ञा. व्यक्तिवाचक संज्ञा. और नंबर टू है कॉमन नाउन, COMM. जातिवाचक संज्ञा.
नाउन संज्ञा के प्रकार, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन और भी होते हैं लेकिन आज आपको दो ही समझिए। प्रॉपर नाउन होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी विशेष व्यक्ति के लिए जब बात करते हैं तब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं इसको। और कॉमन नाउन जो होती है जब हम ग्रुप में बात करते हैं उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। आज मैं आपका प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में ज्यादा समय नहीं लेंगी, इसके बारे में मैं नेक्स्ट टर्म में आपको बताऊंगी। आप भी छोटे हैं तो मैं आपको स्मॉल ग्रुप्स हैं तो मैं आपको सिर्फ नाउन के बारे में ही आज बताऊंगी। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में जब ज्यादा कुछ अगले नेक्स्ट टर्म में बताऊंगी। तो सबसे पहले तो आपको मैंने नाउन बताई ही दी है कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, एनी पर्सन प्लेस थिंग एनिमल्स एक्सेट्रा आर कॉल्ड नाउन, इसको हम नाउन कहते हैं। कैट क्रो बॉय मैन जोधपुर दिल्ली, यहाँ पे देखिए कैट और क्रो जो है बर्ड्स भी हो गए, एनिमल भी हो गए, बॉय मैन पर्सन हो गए, जोधपुर और दिल्ली ये क्या हो गए, ये क्या हो गए, ये प्लेस हो गए। प्लेस मीन्स स्थान। अभी आपके थिंग नहीं आई, थिंग में हम कार भी लिख सकते हैं और चेयर भी लिख सकते हैं। चेयर मीन्स कुर्सी, कार मीन्स कार एक्सेट्रा। तो इस तरह से चीजें हो गई हैं। अब हम आपको एक ऐसी बना के देंगे जिसमें नाउन आपको छांटने हैं। आपकी बुक को लिए उसमें बुक में नाउन के चैप वो दिया हुआ है, उसमें नाउन्स दिए हुए हैं, सीरीज दी हुई है नाउन्स की, उसको नीचे आपको ये आप लोग देख लीजिए और इसको आपको लिखना है, अपनी नोटबुक में लिखना है। और आप मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पर्सन PERSON, ये पर्सन का कॉलम बनाया है यहाँ पे। पर्सन में कौन कौन आते हैं, फार्मर, सबसे पहले चलो ऐसी चीज लिखते हैं जो आपको इजी वे में मालूम हो, जैसे मैन, वुमेन, डॉक्टर, गर्ल, फार्मर, किसको कहते हैं, मैन, वुमेन, डॉक्टर, एक्स वन जेड, वो पर्सन में भी हो सकते हैं, प्लेस में भी हो सकते हैं, थिंग में भी हो सकते हैं, एक्सेट्रा, किसी में भी हो सकते हैं, एनिमल्स में भी हो सकते हैं। तो इसी को हम नेमिंग वर्ड्स बोलते हैं। अब हमने ये नेमिंग वर्ड्स ये वाला बनाया इस तरह से। अब हम बनाते हैं पर्सन के बाद हम बना रहे हैं प्लेस नेम, पर्सन प्लेस, PLACE प्लेस। प्लेस में क्या क्या लिखे,
चलिए सबसे पहले मैं प्लेस होता है एक स्थान, हिंदी में प्लेस को स्थान बोलते हैं। तो प्लेस में मैं क्या ले सकती हूँ, प्लेस में मैं ले सकती हूँ जैसे अपने बालोत्रा का नाम सबसे पहले लेती हूँ मैं, बी ए एल ओ टी आर ए बालोत्रा। फिर चलिए जयपुर का ले लेती हूँ, जे ए आई पी यू आर जयपुर। नंबर थ्री, प्लेस हम सिर्फ सिटी के नेम को ही नहीं बोलेंगे, पार्क भी है मेरे प्लेस में, पी ए आर के पार्क। नंबर थ्री, वन टू थ्री, और क्या है स्कूल, ये सब क्या है प्लेस है। पार्क, स्कूल और क्या है दहली या ताजमहल, टी ए जे एम ए एच ए एल। मेरी पॉसिबली कि आपके जो नेम उसमें दिए हुए हैं, हो सकता है कि आपके नेम ये उस बुक से ना मिले, आप उस बुक में जो नेम दिए हैं उससे छांटकर लिखना, आप अपनी मम्मी के उससे। अब हम यहां पर दे रहे हैं एनिमल्स, ए एन आई एम ए एल एस एनिमल्स। एनिमल्स में कौन होते हैं, काऊ, डॉग, काऊ डॉग और पोलो, लायन, जो भी जानवर होते हैं। हिंदी में एनिमल्स को क्या बोलते हैं, जानवर, काऊ डॉग लायन टाइगर टी आई जी ई आर और जेब्रा जेड ई बी आर ए, ये क्या हो गए हैं एनिमल्स नेम। अब मैं यहां पर लिखती हूं बर्ड्स नेम, बी आई आर डी एस बर्ड्स। बर्ड्स कौन सी होती है, जानवर ये भी है और ये भी है, लेकिन बर्ड्स, बर्ड्स हम उनको बोलते हैं जो फ्लाई करते हैं। ओके, तो बर्ड्स, बर्ड्स क्या है, क्रो सी आर ओ डब्ल्यू, क्रो डक डी यू सी के डक, क्रो डक हैन, क्रो डक हैन और पिकॉक, पी ई ए सी ओ सी के पिकॉक। फिर एक आप बताइए, आपको पता है ब्रांड नेम, आप लिख सकते हैं क्रो डक हैन पैरट, पी ए डबल आर ओ टी पैरट। ये हो गए बर्ड्स, ये फाइव ही आप नहीं लिख सकते, आप एक्स वाई जेड जो आपको आते हैं वो लिख सकते हैं, और आपकी बुक में भी एक वो दिए हुए नेम्स उसी से आपको छांट के लिखने हैं, लेकिन उसमें क्या है कुछ नेम्स उसमें मिस हुए हैं, नहीं है तो वो अपनी तरफ से लिखने हैं आपको, नहीं आप उसमें ढूंढते रह जाएंगे और आपको नहीं मिलेंगे। अब यहाँ क्या हो गया, पर्सन हो गए, प्लेस हो गए, एनिमल्स हो गए और बर्ड्स हो गए। अब यहाँ क्या बचा है, थिंग नेम बचे हैं, क्या बचा है थिंग, टी एच आई एन जी थिंग्स।
थिंग्स में आप क्या लिखेंगे, स्मॉल स्मॉल स्पेलिंग से लिखिए, कार, बस, टेबल, टी ए बी एल ई, बेड, बी ई टी बेड, और फैन। ये क्या हो गए हैं, थिंग्स नेम। तो थिंग्स नेम में थिंग्स हो गए, बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लेस हो गया और पर्सन हो गया। इस तरह से हमने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया भी था कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। तो ये नेमिंग वर्ड्स है, यही अकेले नहीं होते हैं, दुनिया में बहुत सारे नेमिंग वर्ड्स हैं जो कि मैंने आपको कुछ यहाँ पर बताए हैं। आप भी अपने मन में सोचना कि मैम ने जो बताया है उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, आप उनको भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। इस तरह से मैंने आपको आज नाउन के बारे में बताया है, और नेक्स्ट कल में आज मैंने बहुत शॉर्ट में प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में बताया, उसके बारे में अगली बार ज्यादा बताऊंगी। और आज शॉर्ट में ही बताया है, नाउन के बारे में तो अच्छे से बताया है, इसलिए आपको जितना मैंने ब्लैक बोर्ड पे वर्क कराया है वो सब आप नोटबुक में कर लीजिएगा। इस सीरीज को भी अपनी नोटबुक में भी बनाना, और आपके जो उसमें बुक में भी है बुक सीरीज वो भी आपको फिल करनी है। ओके, थैंक यू।